सलमान खान का कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 17 अब खत्म हो चुका है। ऐसे में फैंस जो है काफी ज्यादा बेसब्री से इसके OTT वर्जन का इंतजार कर रहे हैं। बिग बॉस OTT 3 को लेकर लगातार कई सारी खबरें भी जो है सामने आ रही थी। कुछ दिन पहले ये दावे किए गए थे कि मेकर्स इसके OTT 3 सीजन को नहीं लाने वाले हैं, क्योंकि अभी जनवरी में ही बिग बॉस सीजन 17 खत्म हुआ था। ऐसे में फैंस इस शो से उब ना जाए, इसी के लिए मेकर्स ने यह बड़ा फैसला किया। इस तरीके की खबरें आई थी, जिसके बाद इन सभी खबरों को खारिज भी किया गया था और शो के तरफ से यानी कि एंडम और शाइन इंडिया की तरफ से ये बताया गया था कि बिग बॉस OTT 3 आएगा और कंटेस्टेंट्स के तौर पर किसे देखना चाहते हैं, ये सवाल भी फैंस से पूछे गए थे। इसके बाद अब शो से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट जो है सामने आ रही है, जिसे सुनने के बाद यकीनन फैंस का दिल भी टूट जाएगा। जी हाँ, सलमान खान के ऊपर कुछ ही दिनों पहले हमला हुआ था, इसके बाद उनकी सिक्योरिटी को भी काफी ज्यादा टाइट किया जा चुका है। ऐसे में अब ये खबरें सामने आ रही है कि सिक्योरिटी रीजंस के चलते सलमान खान अभी पब्लिक प्लेसेस को अवॉइड कर रहे हैं, ऐसे में वो शूटिंग पर भी नहीं पहुंच पाएंगे। जी हाँ, खबर जो सामने आ रही है उनमें ये बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हो सकता है कि सलमान खान बिग बॉस OTT 3 को होस्ट ना करें, और ये खबर यकीनन फैंस के लिए काफी ज्यादा बुरी है, क्योंकि फैंस सलमान खान को ही होस्ट के तौर पर देखना पसंद करते थे। खबरें जो सामने आ रही है उनमें ये भी दावा किया जा रहा है कि सलमान खान की जगह फराह खान या फिर करण जौहर बिग बॉस OTT 3 को होस्ट करते हुए नजर आ सकते हैं। आपका इस अपडेट पर क्या कुछ है कहना हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।